मेरा नाम है सुजीत पांडे, आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट धुआंधार क्वेश्चन। छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो ये डीएनए विषाणु द्वारा पैदा होती है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? तो यक्ष्मा या टीवी के रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलेय हैं, यानी तो विटामिन बी और सी दोनों जल में विलेय होते हैं, घुल जाते हैं। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो ऑक्सीजन लोहे में जंग लगने का सबसे प्रमुख कारण है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। मशरूम से क्या बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो प्रोटीन मशरूम से बहुतायत मात्रा में मिलता है। फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण फ्लू रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान रूपांतरण किसका किसमें होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। लेड भंडारित बैटरियों में क्या प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लेड भंडारित बैटरियों में। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो केशिकत्व क्रिया लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण होता है। कैडमियम और थोरियम में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, तो कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो सौर सेल प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। दृश्य किरणों एवं एक्स किरणों में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो एक्स किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि कैसे होती है? तो प्रस्फुरण से इसकी पुष्टि होती है। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटीन की खोज की है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया है? तो जीटीसी बोर्ग ने परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें निकोटीन होता है, इसलिए तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। गलियों में जो है लगी मरकरी तथा सोडियम की लैंपें जलती हैं, तो वो परमाणुओं का उत्सर्जन करती हैं, इस प्रकार वो जलती हैं सोडियम और मरकरी की लैंप। हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके बराबर होता है? तो लिथियम आयन Li+ के बराबर हीलियम का स्पेक्ट्रम होता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक आणविक भट्टी है परमाणु रिएक्टर। मुख्य कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो n स्क्वायर मुख्य कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या होती है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो H.A. बेथे द्वारा सूर्य तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है पेड़ों द्वारा, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर तक पर वापस आते हैं, तो के ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर से निम्न स्तर पर वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित है। वायु प्रदूषकों में होते हैं, तो विषाक्त गैसें पर्टिकुलेट्स जिसको बोलते हैं वायु प्रदूषकों में होते हैं। परमाणु कक्षाओं का अभिविन्यास किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा परमाणु कक्षाओं का अभिविन्यास नियंत्रित किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो शैवाल वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। कौन से कक्षक डंबलाकार होते हैं? तो पी कक्षक डंबलाकार होते हैं। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहां स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। एक्स किरणों की उत्सर्जन की विपरीत प्रभाव को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है एक्स किरणों के उत्सर्जन के विपरीत प्रभाव को। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम 238 प्रयुक्त होता है न्यूक्लियर रिएक्टरों में। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले पदार्थ कौन से? तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण खाद्य परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो नील बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। मिथाइल आइसोसाइनेट से कौन सी त्रासदी हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC या मिक गैस कहते हैं। कमेंट करके बताइए भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। सन बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके देखते हैं किस किस को याद है सन।
संभारिक क्या होते हैं? सामान्य द्रव्यमान संख्या तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को संभारिक बोला जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है तो ट्रांबे में बनाया जाता है भारी जल, जिसको D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हो। ओजोन में होती है तो केवल ऑक्सीजन होती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है तो बोर मॉडल किसी भी परमाणु या आयन की खोज की केवल एक इलेक्ट्रॉन धारक हो इसकी व्याख्या कर सकता है। लोहा और यूरेनियम में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग में होता है तो यूरेनियम का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। प्रशीतक फ्रियोन क्या है? तो डाइक्लोरोमेथेन कहलाता है फ्रियोन। किसी परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कहाँ निहित होती है? तो कभी भी वो धनात्मक नहीं होती है। और परमाणु कहाँ जो है नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं और ऋणात्मक ई पे माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ई सिंबल होता है और माइनस का चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? तो परमाणु शक्ति संयंत्र है कल्पक्कम में, बहुत फेमस। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न क्या होता है? तो उत्पन्न मीथेन गैस होती है कक्ष स्थानों में। समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस क्या है? तो भारतीय शोध रिएक्टर है ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस, तीन है, ध्रुव भी है, पूर्णिमा भी और साइरस भी। गेमेक्सेन किस का रासायनिक नाम है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गेमेक्सेन कहा जाता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग होता है कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए। तत्व का परमाणु क्रमांक किस की संख्या है? तो तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटोनों की संख्या कहलाती है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? तो सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस ने पॉजिट्रॉन की खोज की है। -40 डिग्री पर कौन से पैमाने समान होते हैं? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर समान होते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को कब और किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में मिला था भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन को। Y2K क्या था? तो एक कंप्यूटर से जुड़ी समस्या थी जिसमें 1999 के बाद जब 2000 सन आया था तो 2000 कंप्यूटर में सेट नहीं हो पा रहा था, तो Y2K समस्या इसी से संबंधित है कंप्यूटर से। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा अधिकांश रूप से कौन सा विटामिन प्रभावित होता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है खाद का संसाधन संचयन करने से। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होती है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग बीमारी होती है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो अवतल लेंस को उपयोग में लाया जाता है सूर्य के प्रकाश को एक जगह पर बिंदु बार संकेंद्रित करने के लिए। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होगा। सबसे कम किसका तरंग दैर्ध्य होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग कहलाता है, हरा रंग होता है। सात रंग होते हैं, तीन इस तरफ बीच में हरा। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती? तो इस्पात में या ठोस में ध्वनि अधिकतम गति करेगा। बिना शल्क वाली मछली है? तो बिना शल्क वाली मछली कैटफिश है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है, चालन कहलाता है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 मिमी के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन है? तो सीवी रमन रमन प्रभाव के आविष्कारक हैं। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बेक्वेरेल रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को मापा जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रोन्टजेन ने एक्स किरणों की खोज की है। सामान्य अवस्था में गैस है कैसी? तो विद्युत की कुचालक होती है गैस सामान्य अवस्था में। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है वायु का बुलबुला जल में। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं। हीरा का क्रांतिक कोण क्या है? तो 24.4 डिग्री हीरा का क्रांतिक कोण है। प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जलोढ़ मिट्टी में अधिक होता है? तो कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है जलोढ़ मिट्टी में। प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है? चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है।
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह त्रियुगीन विभाजन किया गया है, तो किसमें? थॉमसन द्वारा ये किया गया है। और ये राज का आपका आखिरी क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। प्लीज वीडियो को शेयर करो, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को कम से कम 2 लोगों को भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।